हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार अभी तक आप लोगों ने द बिग बुल का रिव्यू नहीं देखा है तो यार रात को ही कर दिया था। बहुत कम व्यूज आए, एकदम ना के बराबर है। तो मेहनत की बजा डाली आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और सीरीज़ के बारे में बताना। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे द पावर। ये एक हॉरर मूवी है और मैं आपको बता दूं कि पर्सनली मेरा फेवरेट जॉनरा है हॉरर, और मैं हॉरर मूवीज़ को कभी मिस नहीं करता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार आप लोग भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलती है। ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 32 मिनट की है। खैर, इस मूवी की कहानी फोकस करती है 1974 ईस्ट लंदन में, जहाँ पर ट्रेड यूनियंस और गवर्नमेंट्स के बीच में एक तरह का वॉर चल रहा है। और ये वो वक्त थे जहाँ पर हर रात को इस सिटी में ब्लैकआउट्स यानी कि पावर कट हो जाता था। खैर, आप बात करें इस मूवी के मेन प्लॉट की, जो कि स्टार्ट होता है एक नर्स जिसका नाम है वैलेरी, जो कि अपने पहले जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन उस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके साथ कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है और इन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे है कौन, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आप बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यूँ तो ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन आप इसको 100% हॉरर नहीं कह सकते, क्योंकि इस मूवी में आपको बहुत कम जगह पे जंप स्केयर सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन वो सीन भी इतने इफेक्टिव नहीं है जहाँ पर आपको डर लग सके। एटलीस्ट मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है नर्स का, वैलेरी का, तो उसके पास्ट में उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो चीज़ मुझे बहुत खटक रही थी। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। एक और कैरेक्टर है सभा का, जो कि मेरे ख्याल से एक बंगाली लड़की है। अब वो लड़की के बारे में भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताई है और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बन के रह गई है, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खटक रहा था इस मूवी की एंड होने के बाद। जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको डिसेंटली ही लिखा है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, 1974 का वो एक एरा था उसको बहुत अच्छी तरह से रिक्रिएट किया है। कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे, आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से उन लोगों ने लाइटिंग को यूज़ किया है गज़ब का लगता है, और एक वो स्कैरी फील आती है थ्रू आउट द मूवी, और एक सस्पेंस भी बना रहता जिस तरीके से लोगों ने कैमरा वर्क को यूज किया है। बीजीएम की बात करूंगा तो इसी तरह का बीजीएम है जो आपको कुछ वक्त तक अच्छा भी लगता है और कुछ वक्त तक आपको इरिटेट भी करता है। बाकी ओवरऑल देखा है तो एक डिसेंट है बीजीएम के मामले में। हाँ, अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर हाईलाइट है इस मूवी की रोज विलियम, जिसने यहाँ पर वैलेरी का रोल प्ले किया, यानी कि जो मेन लीड प्ले की है, उस लड़की ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। मतलब अगर किसी लड़की के अंदर कोई चुड़ैल या कोई आत्मा आ जाए तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, क्या एक्सप्रेशन देगी, मतलब यार ऐसा लगता है कि वाकई में रोज विलियम के अंदर पहले भी बहुत सारी भूत और चुड़ैल आ चुकी है। मतलब द वे ही एक्ट इन द मूवी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखने के लिए। और 40 मिनट के बाद तो मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये वही एक्ट्रेस है जो हमने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। मतलब जो एक टर्न लिया है उसके परफॉर्मेंस ने, और वहाँ से जो मतलब आप कंटिन्यूस रोज विलियम को ही देखते हो, और इसी से परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी। बाकी एडिटिंग अच्छी है, डायरेक्शन मुझे ओके से लगा। मतलब ये एक ऐसा हॉरर मूवी उन लोगों ने बनाया जो मतलब ऑडियंस को बांट डालेगा, कुछ को अच्छा लगेगा कुछ को अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक डिसेंट हॉरर मूवी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हॉरर मूवी आदमी देखता है क्यों, डरने के लिए, मगर डर तो दूर दूर तक नहीं लगता है। और हाँ, एक और नेगेटिव जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बोलूँगा, वो ये है कि मूवी में जो एक घोस्ट है उस घोस्ट के साथ जो चीज़ें हुई है तो उसको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं करने का। आप जिस चीज़ को स्टार्टिंग में जो एक सस्पेंस बना के रखो, तो उस सस्पेंस को जब आप ओपन कर रहे हो तो उसको इस तरह से ओपन करो कि ऑडियंस एटलीस्ट क्लाइमैक्स देख के बोले कि नहीं यार मूवी अच्छी थी। तो मतलब बहुत ही हड़बड़ाहट में मूवी को बनाया, चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं लिखा। तो आप इस मूवी को स्किप भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपको एक हॉरर मूवी देखना है जिसमें कुछ भी एडल्ट सीन ना हो, आपके फैमिली के साथ बैठ के देखना है, वो भी हिंदी में, तो ये मूवी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना। आई होप आपको ये बोरिंग सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। ज़्यादा अच्छा लगता है इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।